नमस्ते बच्चों, आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में पढ़ा था। कुछ पार्ट ऑटोमन एम्पायर का भी हमने कुछ टॉपिक्स उसमें डील किया था। अब चूंकि नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग को पढ़ना है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया में हम इंडिया के टोटल जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले नेशनलिज्म और नेशन स्टेट को हम लोग को समझना ज़रूरी है, क्योंकि नेशन स्टेट से ही नेशनलिज्म बनता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नेशनलिज्म से ही नेशन स्टेट का निर्माण हुआ है। तो नेशनलिज्म का एक्चुअल जो मीनिंग है ये है क्या? तो नेशनलिज्म इज अ डिवोशन, लव एंड पैट्रियोटिक फीलिंग फॉर वन ओन नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। किसी भी कंट्री के लिए, किसी व्यक्ति के अंदर वो फीलिंग का जनरेट होना, अपने राष्ट्र के प्रति पैट्रियोटिक भावना का उदय होना, ये नेशनलिज्म कहलाता है। लेकिन ये उदय होता कैसे है? तो कई सारे न्यू सिंबल्स और न्यू सॉन्ग्स, न्यू आइडियाज जो होते हैं, ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मींस कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, एम्स, एस्पायरेशन, जॉय, सोरो, जो एक साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण उस पार्टिकुलर एरिया में रह रहे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो एक नेशनलिज्म को जन्म देता है, राष्ट्रीयता को जन्म देता है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि ये नेशनलिज्म धीरे धीरे उस ज्योग्राफिकल एरिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉवरेन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करता है, और वो सॉवरेन स्टेट नेशन स्टेट कहलाता है। तो उसी हिसाब से अगर नेशन स्टेट को डिफाइन करने का प्रयास करें, तो नेशन स्टेट मीन्स अ स्टेट इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स रेसिडेंट्स एज वेल एज द रूलर्स डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिफाई या कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो जिसका कॉमन इतिहास हो, जो एरिया जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो रहने वाले हो, उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो किसी भी कारण से, तो वो ज्योग्राफिकल एरिया, वो क्षेत्र नेशन स्टेट कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में जिस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिटिश पावर यहाँ आती है, ब्रिटिश पावर आने के बाद वो अपना शासन इस्टेब्लिश करती है, और ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो मेडाइवल पीरियड चल रहा था, उस मेडाइवल पीरियड के दौरान जो यहाँ के घटनाएं थी वो काफ़ी अलग अलग थी। यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया था, आपस में कई शासक एक बांटे हुए थे। हमारा देश पूरे तरीके से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, सबका अपना अलग नियम कानून चल रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक कॉमन बिलोंगिंग्स थी जो लोगों को जोड़े हुए था, और वो अपने आप को भारत के हिस्सा, भारत का एक पार्ट समझते थे। तो इस उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म के टाइम में एक एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट चला,
जिससे जो देश में रहने वाले लोग थे एक दूसरे से आपस में सॉरी कनेक्टेड हुए। अब जब एंटी नेशनलिज्म मूवमेंट चल रहा था, सॉरी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जब चल रहा था, तो इस दौरान कई सारे ऐसे सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग्स जेनरेट हुए, जिसमें जो ये कॉलोनाइजर्स थे उनके अपोजिट बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ने का बेड़ा उठाया या लड़ने का कार्य किया। तो इस चैप्टर में जो हम मेन रूप से पढ़ेंगे वो है कांग्रेस, और कांग्रेस में भी उसके अंतर्गत जो महात्मा गांधी का जो कार्य हुआ, महात्मा गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों को यूनाइट किया, उन सारे चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी किस तरीके से भारत में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, भारत में किस तरीके से इनको पॉपुलैरिटी मिलते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो 1915 से पहले की अगर बात करें तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, और साउथ अफ्रीका में ये रंग भेद यानी अपार्थीड जो वहाँ सिस्टम था उस रंग भेद नीति के खिलाफ काम कर रहे थे। अंग्रेज़ों को महात्मा गांधी से काफ़ी डर भी था क्योंकि उनके कार्य को अंग्रेज देख चुके थे। तो जब वो वापस भारत लौट रहे थे तो उस दौरान भारत लौटने के बाद एट द बिगनिंग देखते हैं कि महात्मा गांधी का झुकाव अंग्रेज़ों के प्रति रहता है। तो चलिए इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात मैं यहाँ मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जब भी नेशनलिज्म इन इंडिया की बात आती है तो हमारे टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और कांग्रेस से रिलेटेड चीज़ों का डिस्कशन होता है। इसके अलावा भी एक तबका था जो हमारे देश के आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ रहा था, और जिसको हम लोग रेडिकल्स के नाम से जानते हैं, और ये रेडिकल्स 1905-6-7 के दौरान देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद चूंकि ये कांग्रेस से रेडिकल्स अलग हो जाते हैं तो इनका जो प्रभाव होता है कांग्रेस का कांग्रेस से हट खत्म हो जाता है, और कांग्रेस पे कंप्लीट रूप से मॉडरेट का प्रभाव बना रहता है शुरुआती दौर की तरह। और आगे आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि रेडिकल्स जो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जो उस समय के नए जमाने के लोग हो रहे थे, या फिर अगर बात करें कि शुरुआती दौर में जो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ये जो रेडिकल्स थे इन लोगों ने काफ़ी अहम योगदान निभाया है जो कि हमको टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। 1919 में महात्मा गांधी के जब प्रभाव में लोग आए तो किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो नए इलाकों तक फैला, उसमें नए सामाजिक समूह, नए सोशल ग्रुप्स का शामिल होना देखा गया, साथ ही साथ कुछ नए सिस्टम्स भी देखने को मिले स्ट्रगल का। तो एक हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वार की। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो
वार के कारण जो न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ, इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्स कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। तो देखते हैं कि वार के कारण जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे बड़े भारी मात्रा में, जिससे क्या हुआ कि देश में कॉलोनाइजर्स के द्वारा टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया वार लोन को चुकाने के लिए, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, नए पहले इनकम टैक्स यहाँ नहीं लगता था, नए तरीके से फिर इनकम टैक्स लगाया जाने लगा। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918, 13 से 18 के बीच में देखने को मिलता है कि जो चीज़ें होती है, जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती है, इनका प्राइसेस जो है वो डबल हो जाता है, जिसके कारण जो यहाँ के कॉमन पीपल होते हैं, कॉमन पीपल फेस्ड अ एक्सट्रीम हार्डशिप ड्यू टू द प्राइस इंक्रीमेंट एंड विलेजर्स वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। यानी कि विलेजर्स को ये भी कहा गया कि आपको एज ए सोल्जर के रूप में काम करना होगा, यानी कि फोर्स रिक्वायरमेंट को बढ़ावा दिया गया रूरल एरिया में, जिससे कि कॉलोनाइजर्स के प्रति भारत में, यानी अंग्रेजों के प्रति भारत में काफ़ी एंगर स्प्रेड हुआ कंट्री साइड में। देन इन 1918 टू 19 एंड 1920 टू 21 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। क्रॉप फेलवर भी एक बहुत बड़ा कारण बना लोगों के अंदर एंगरशिप को बढ़ाने का, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड जो था वो लोगों को भूखमरी की ओर ले आया। एंड दिस वाज एकम्पेंड बाय इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, और इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया, उस समय एक पेंडेमिक आया, महामारी आया, आज के कोरोना महामारी की तरह तो नहीं, लेकिन वो उस समय उससे कम भी नहीं था जिस तरीके का वो उस समय सिचुएशन था डेवलपमेंट को लेकर। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 अबाउट 12 टू 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फैमाइन एंड द एपिडेमिक। तो इस एपिडेमिक में लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो थे वो खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। लोगों को लगता था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो शायद ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन भी खत्म हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. और इसी दौरान एक नए लीडर का प्रादुर्भाव हुआ, नए लीडर की उपस्थिति आई, नए लीडर अपीयर हुए और उन्होंने नया तरीका सिखा। देखिए यहाँ एक वर्ड आया था फोर्स रिक्वायरमेंट, यानी कि कॉलोनियल स्टेट के द्वारा लोगों को जबरदस्ती बाई फोर्स आर्मी ज्वाइन करवाना, ये एक प्रोसेस था जिसको हम लोग फोर्स रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से नया स्ट्रगल का रूप देखने को मिलता है। तो महात्मा गांधी रिटर्न होते हैं इन जनवरी 1915, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट द रेसिस्ट रिगाइम विथ ए नोवेल मेथड, उन्होंने एक नए तरीके से जो वहाँ का रंग भेद नस्ल भेदी सरकार थी, रंग भेदी सरकार थी, जो वहाँ पे काले गोरे में फर्क करने वाली सरकार थी, उसके विरुद्ध एक नया अलग तरीके का, यूनिक तरीके का जन आंदोलन चलाया था, जिसमें
मास एजिटेशन मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसका उन्होंने एक नाम दिया था सत्याग्रह। पहले आप लोग ये सत्याग्रह का जो आइडिया है उसको हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह हमेशा सत्य के पावर को, सत्य के शक्ति को एम्फेसाइज करता है और कहता है जरूरत है सत्य की ओर, सत्य को खोजने की। सो इट इज सजेस्टेड दैट इफ द काउज वॉज ट्रू, यानी कि अगर कारण सत्य होगा, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी अन्याय के विरुद्ध अगर स्ट्रगल होगा, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशर्स। तो जरूरी नहीं है कि हम शारीरिक रूप से लड़ाई लड़े, हम लड़ाई का दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, विदाउट सीकिंग विजेंस और बीइंग एग्रेसिव। अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। यानी ये जो सत्याग्रही है, बिना किसी प्रतिशोध के, यानी बिना प्रतिशोध लिए, बिना बदला लिए, वेजेंस वेंजियंस यानी बदला प्रतिशोध, या बिना एग्रेसिव हुए, आक्रामक हुए, वो जो उनकी लड़ाई है, वो जो उनका बैटल है, वो बैटल को जीत सकते हैं नॉन वायलेंस के आधार पे, अहिंसा के आधार पे। सो दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसेंस ऑफ द ऑपरेशर्स। तो ऑपरेशर्स के कंसेंस को अगर जागृत कर दिया जाए, यानी उनकी आत्मा की आवाज़ को अगर जागृत कर दिया जाए अपने कार्यों से, तो पीपल जो ऑपरेशर्स हैं हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। उनको भी मजबूर होना पड़ेगा सत्य को देखने के लिए। एंड इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। और ये संभव है कि ये जो वायलेंस का यूज करते हैं वो वायलेंस का यूज नहीं करेंगे और वो सत्य को एक्सेप्ट करेंगे। तो बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेट ट्रायंफ। यानी जीत का एकमात्र रास्ता जो है, ट्रायंफ का एकमात्र रास्ता है, वो है ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रायंफ के लिए, अंततः फाइनल जीत के लिए, विजय के लिए आपको सत्य को अपनाना है, और यही सत्याग्रह। एंड महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडिया। महात्मा गांधी के अनुसार ये सही भी था, क्योंकि आगे देखने को भी मिलता है कि यही एक तरीका है जिससे पूरे भारत के लोगों को यूनाइट किया जा सकता है। सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पे 1917 में वो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वो बिहार में जो तिनकठिया सिस्टम चल रहा था, जो इंडिगो प्लांटेशन का ऑपरेसिव सिस्टम चल रहा था, उसके विरुद्ध एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस सत्याग्रह में उनको जीत भी मिलती है। और इस तरीके से भारत में उनका पहला सत्याग्रह होता है, और पहला सत्याग्रह में महात्मा गांधी को जो जीत मिलती है बिना किसी हिंसा के, तो लोगों का झुकाव उनके तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। तो 1917 के बाद फिर एक और सत्याग्रह ये करते हैं, ये सत्याग्रह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट ऑफ पीजेंट, किसानों के सपोर्ट में ये सत्याग्रह होता है, और ये सत्याग्रह होता है खेड़ा गुजरात में, जहाँ पे फिर इनकी जीत होती है। और ये खेड़ा जो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रेवेन्यू को
कम करने की बात होती है पीजेंट्स के लिए, और जो ऑपरेसिव गवर्नमेंट थी, ऑपरेसर्स जो थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे, वो रेवेन्यू कम नहीं कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध ये सत्याग्रह करते हैं। फिर उसके बाद हमको देखने को मिलता है, अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर लिया जाए कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू कम करने की बात क्यों आती है, तो चूंकि वहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ था, प्लेग की एपिडेमिक आई थी यानी प्लेग महामारी फैल गया था, जिससे यहाँ के किसान जो थे वो रेवेन्यू पे करने के योग्य नहीं रह गए थे, रेवेन्यू पे करना उनके बस की बात नहीं थी, सो दे वेयर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, इसलिए वो रेवेन्यू कलेक्शन को रोकने का दबाव बना रहे थे सरकार। फिर तीसरा सत्याग्रह लगातार इसी समय होता है 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में, जहाँ पे कॉटन मिल के वर्कर्स के लिए वो लड़ते हैं और उनकी जो डेली इनकम की जो मजदूरी होती है, डेली वेजेस जो होती है, उसको बढ़ाने की बात पे ये सत्याग्रह होता है और इसमें भी इनको जीत मिलती है। तो इस तरीके से लगातार जब इनका सत्याग्रह भारत में सफल हो रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ रहे थे और धीरे 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 इनके सत्याग्रह की बात जो थी पूरे कंट्री साइड में फैल रही थी। तो जो आम आदमी था जो लड़ नहीं सकता था, जिससे हथियार के बल पे जो नहीं लड़ सकता था, उसके लिए ये एक अलग तरह का हथियार मिला जिसमें ना इनको गोली तलवार बंदूक कुछ नहीं चलानी थी, फिर भी इनको सफलता मिल रही थी। तो वैसे लोग जो नीचे तबके के थे या फिर अमीर से अमीर लोग भी इसमें जुड़ना शुरू हो गए। उसी दौरान 1919 में एक घटना घटती है जिस घटना को हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो आगे हम लोग रॉलेट एक्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। रॉलेट एक्ट चैप्टर चूंकि काफ़ी बड़ा है तो इस चैप्टर को हम लोग पार्ट वाइज में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और हम लोग धीरे धीरे हर एक टॉपिक को डील करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नए वीडियो में हम लोग रॉलेट एक्ट का डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में जो आपने सुना, जो आपने देखा, जो आपने पढ़ा, उसके हिसाब से दो क्वेश्चंस आपको बनाना चाहिए। आप दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक व्हाट वाज फोर्स रिक्वायरमेंट एंड दूसरा व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। तो ये दो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे।